हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो पे पीजीटी के सिलेबस पे, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस, उस पर बात किए हैं। अगर आपको वह सिलेबस देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके सीधे आप पीजीटी के सिलेबस देख सकते हैं। और हमारा यह नेक्स्ट वीडियो जो है टीजीटी के एग्ज़ाम सिलेबस पे है, जिस पर हम डिटेल बात करेंगे। और टीजीटी संबंधी वीडियो हमारे सीक्वेंस में आने वाली हैं। इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और हमारे दो सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इंग्लिश टीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। पहले हैं महेश चंद्रा जी, जिन्होंने इंग्लिश टीजीटी सिलेबस के बारे में पूछा है। और एक सब्सक्राइबर रीता कुशवाहा, इन्होंने भी टीजीटी और पीजीटी दोनों सिलेबस के बारे में हमसे डिटेलिस्ट बताने के लिए इन्होंने कहा है। जैसा कि मैं बता दूं, जो टीजीटी का सिलेबस है पीजीटी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बहुत कम सिलेबस है, इसीलिए हमें कम राइटर की स्टडी करनी है। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं सिलेबस डिस्कस करूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और वीडियो अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी लाऊं। हम लोग राइटर की एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें बायोग्राफी, इनके वर्क्स पे, इंपॉर्टेंट वर्क पे बात करेंगे। और उस सीरीज को पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें जरूर, ठीक। और कोने पर हमें लिंक मिल जाएगी। और पीजीटी का सिलेबस मैं आई बटन पर दे चुका हूँ। आइए मैं आज के सिलेबस पर बात करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड एलनगंज द्वारा लेटेस्ट जारी किया गया। इसमें दो पार्ट हैं, सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 लिटरेचर। सेक्शन 1 में हम अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट हैं, अनसीन पैसेज एंड कम्प्रिहेंसन है, जिसमें आपको पैसेज रहेंगे जिसको आपको पढ़ के उसके क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। और दूसरे में ग्रामर वाले पोर्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। उसके बाद पंचुएशन पर विशेष ध्यान देना है, वोकेबुलरी है, टेंस है, नरेशंस है, प्रीपोजिशन है, और यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, जिसमें हम लिटरेचर को रखते हैं, इस लिटरेचर में अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, पिछले साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसमें बेसिकली दो पार्ट हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आपके इसके देखिए पोएट्री के कुछ टर्म्स आ जाएंगे, कि थोड़े से फॉर्म्स एंड मोमेंट्स में से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा अथर एंड देयर वर्क्स में केवल 4 राइटर, ध्यान दीजिए, केवल 4 राइटर पर आपको पकड़ बनानी है। पहला विलियम शेक्सपियर हो जाते हैं, जो 16वीं शताब्दी के हैं। उस एज की क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जॉन मिल्टन जो आपके आते हैं प्यूटन एज के, इसमें आप देख लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक एज के रहते हैं, रोमांटिक एज की क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी और इनके वर्क देखना पड़ेगा। और लास्ट में जॉन गाल्सवर्दी, बेसिकली जॉन गाल्सवर्दी इसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एज में भी रहते हैं, कुछ विक्टोरियन पीरियड के भी लास्ट सेशन में पाए जाते हैं। इनके वर्क भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये 4 राइटर, ध्यान दीजिए, वो शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और आपके गाल्सवर्दी, ये 4 राइटर आपको ध्यान से इस पर स्टडी करनी पड़ेंगी। और ग्रामर के रूल, यही दो पार्ट हैं। इसमें ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा राइटर नहीं है, बस इस पर फोकस करना है। और आप लोग गारंटी के साथ मैं इसकी तैयारी करा दूंगा। चारों राइटर की बायोग्राफी, वर्क और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड जल्द से जल्द करेंगे। और इसी के साथ हम आज सिलेबस वाले पैटर्न को यहाँ ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने आज टीजीटी पीजीटी दोनों सिलेबस पे बात कर ली है। और आगे हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, आप वीडियोज़ को एंड होने से पहले इसे एक बार ज़रूर, अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और हमारी जो बाकी की कंटिन्यूस सीरीज हैं, जल्दी उसकी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स यू।